नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनली टीचिंग पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि भाई सीटेट 2019 के लिए ईवीएस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सीटेट 2018 का पेपर दिया हो तो आपको पता होगा सीटेट 2018 में जो ईवीएस का सेक्शन था वो बहुत ही चेंज था, मतलब जो सिलेबस था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि हर बार हुआ करता था। ठीक है ना, बेसिक पहले टॉपिक्स हुआ करते थे और बेसिक क्वेश्चंस ही उनसे आते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस थे बहुत ही अपर लेवल के थे। इसका मतलब जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। तो दोस्तों क्या सीटेट 2019 में भी यही चेंजेस होने वाले हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आपको ये चेंजेस वहां भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें सीटेट 2018 से बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को भी चेंज करने की जरूरत है। तो दोस्तों क्या हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखें और क्या कुछ चीजें हैं जो हमें 2018 के सीटेट से सीखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि ईवीएस का सेक्शन कैसा होता है सीटेट में, तो एक बार उसको देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ईवीएस का, तो ईवीएस जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, जो सीटेट होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स की होती है। अब इसमें दो टॉप मतलब पार्ट्स होते हैं, पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है पेडागॉजिकल इश्यूज। जो आपका कंटेंट होता है ये भी 15 मार्क्स का होता है और जो आपका पेडागॉजिकल इश्यूज होता है ये भी 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सारे कंटेंट के हैं, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट बुक से आते थे, चैप्टर से आते थे, जो भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमें बेसिक फोकस ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप बेसिक टॉपिक्स हैं इनको देख लीजिए। ठीक है, अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस पढ़ लेंगे तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और पहले ऐसा ही होता था कि मतलब जो भी बच्चे सीटेट दे चुके हैं एक्सपीरियंस होगा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की अगर आप ईवीएस पढ़ लीजिए आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते थे और क्वेश्चंस भी 15 के 15 क्वेश्चंस उन्हीं से उठकर आते थे, एक भी क्वेश्चन उन बुक्स के अलावा कहीं से उठकर नहीं आता था। बट इस बार थोड़ा सा चेंजेस है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिर हम अब आते हैं पेडागॉजिकल इश्यूज पर। अब इसमें आपको बेसिकली ये बताया जाएगा भाई कि जो ईवीएस है इसको हमें कैसे पढ़ाना है, क्या आपके दृष्टिकोण है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स हो गया, सिग्निफिकेंस और स्कोप ईवीएस के, क्या क्या महत्व है ईवीएस के अंदर, क्या क्या चीजें आती हैं, हम बच्चे को ईवीएस क्यों पढ़ाएं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर अगला लर्निंग प्रिंसिपल कि भाई क्या क्या मतलब बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं ईवीएस, क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उनके। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग कि हमें भाई ईवीएस पढ़ाना कैसे चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है ना, प्ले वे मेथड यूज करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करें, प्रोजेक्ट मेथड यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, मतलब ईवीएस में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या है, क्या बच्चे को फील्ड में ले जाएं या बच्चे को क्लासरूम में ही बिठा के पढ़ाएं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे को रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं, फैमिली के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं। ठीक है ना, कि भाई जो फैमिली होती है उसके बारे में बच्चे को कैसे बताएं, क्या एक्टिविटीज कराएं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर अगला है सीसी यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और फिर एनसीएफ 2005, इसमें से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जाता रहा है और अब भी पूछा जाएगा। फिर आता है टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियां और प्रॉब्लम्स, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को इसमें आती हैं ईवीएस में। ठीक है, तो ये सारे जो थे पेडागॉजिकल इश्यूज थे जिनको आपको प्रिपेयर करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है और जैसा आप पहले प्रिपेयर करते थे वैसे ही आपको ये सेक्शन प्रिपेयर करना है। ठीक है, वैसे आपको मैं सारे लेक्चर्स इससे रिलेटेड अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारा का सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आप बात करें बुक्स की कि कौन सी अच्छी बुक है, तो मैंने 2-3 लिंक बुक्स के दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए, अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो आप उसको परचेज कर लीजिए, अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको सारे लेक्चर्स ही मिल जाएंगे। अब हम आते हैं मेन चीज पर कि भाई क्या चेंजेस सीटेट 2018 में आए थे। तो सीटेट 2018 में इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया था, जो आपको चेंजेस देखने को मिला था वो मिला था कंटेंट में। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि
थर्ड फोर्थ फिफ्थ की अगर आप आसपास की किताब पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपके जो 15 के 15 क्वेश्चन थे वो वहीं से आ जाते थे और पूरे पूरे नंबर आपको मिल भी जाते थे। बट इस बार क्या हुआ है कि इस बार इन्होंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक्स में से क्वेश्चन कम दिए, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन अपर क्लासेस से भी दिए थे, और जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले हमें क्या होता था कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपने आसपास पढ़ ली, उसी से काम चल गया, आपके 15 के 15 क्वेश्चन इसी में से आ गए, ठीक है ना। बट अब आपको ऐसा नहीं है, अब आपको थोड़ी अपर क्लासेस भी पढ़नी पड़ेंगी। अपर क्लासेस में आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, बाकी हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री और सिविक्स ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स में से इस बार तो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट फ्यूचर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6th, 7th, 8th और 9th, ज्योग्राफी में भी 6th, 7th और 8th और 9th, और इसी तरीके से आप सिविक्स और हिस्ट्री की बात करें तो आप ये 8th तक की कवर कर लें, ये काफी है, ठीक है। बिकॉज 9th की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर कैसे इस चीज को मान लें कि भाई क्वेश्चंस हमें ये सारे चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अभी जो कि सीटेट 2018 में आए थे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस क्लास से थे। तो चलिए हम पहले उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक वहां पे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया था आपका क्लास 8 साइंस चैप्टर 18। चैप्टर 18 में आपको एक आर्टिकल है वहां पे, मतलब कि एक मतलब स्पेशली आपको बता रखा है उसके बारे में, ताजमहल के बारे में, कि भाई क्या कारण है कि ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था ग्रीन हाउस गैस पे कि भाई निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? चार ऑप्शन थे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, और एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी क्लास 8 चैप्टर 18 से ही था, ठीक है ना, क्लास 8 चैप्टर 18 से था ये क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन चैप्टर 18 से डायरेक्ट आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ये वाला क्वेश्चन जो है मानसून से रिलेटेड था, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया था ये था ज्योग्राफी क्लास 9th, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4, ठीक है ना, चैप्टर 4, जो चैप्टर 4 है ये मॉनसून के ऊपर है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी क्लास 8 से आया था चैप्टर 4, ठीक है ना, चैप्टर 4 से आया था, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया था। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, तापमान, सतह क्षेत्र, भार या दाब। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी साइंस का है, और ये है क्लास 9th, क्लास 9th चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर का नाम था, इसमें से क्वेश्चन आया था। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन क्लास 9th से आया था, और ये था चैप्टर 10, चैप्टर 10 था आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेविटी। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चन 6th, 7th, 8th, 9th से आए थे, ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली 6th, 7th से, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था आपका कि मतलब आपसे पूछा था कि भाई जो ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से जो लाइट होती है आर पार चली जाती है उसको क्या कहते हैं ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था ये आप सिक्स साइंस की 6th क्लास में हो। तो बेसिकली क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिले थे इस बार के सीटेट में। अब जो इसमें से क्वेश्चन आया था आसपास में से, वो एक क्वेश्चन आया था गोलकोंडा किला किसने बनवाया, ये ईवीएस की जो क्लास 5th है, चैप्टर है 10, चैप्टर है 10, इस चैप्टर में से आया था उनके क्वेश्चन गोलकोंडा वाला, ठीक है। तो अगर हम फाइनली देखें तो एक ही क्वेश्चन था जो इसमें से आया था, बाकी क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिले थे। तो ये जो आप इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि भाई अब पहले से ज्यादा लेंथी हो गया ईवीएस का सिलेबस, अब पहले जितना आसान नहीं है कि 15 क्वेश्चन आप
ले सकें, बस तीन किताबें पढ़ लो, 15 क्वेश्चन आपके आगे, ऐसा नहीं है 15 मार्क्स लेना भी इतना आसान नहीं है, आपको ये और ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब हम आते हैं मेन चीज पर कि भाई अब हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए। हमें अब दो तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो है बुक्स उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फोकस करिए कि जल्दी से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ को खत्म कर दें, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें बेसिकली आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप लिख लीजिए और उन्हीं को रिवाइज करिए। हालांकि वो सारी चीज आपको यहाँ पे वीडियो में भी और आपको बेसिकली मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा जो आपको अपना प्रिपरेशन करना है वो करना है इन पे क्लासिक 7, 8, 9 की एनसीईआरटी पे फोकस करना है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री और सिविक्स में से अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस जितने भी मतलब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टॉपिक्स, मतलब चैप्टर्स या क्लासेस, मैं सबके सब वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और सबके नोट्स भी मैं धीरे धीरे डालूंगा, तो आपको बिल्कुल भी फिगर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अभी से तैयारी पे लगना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ये एक महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपके पास यूं कह लीजिए समय पर्याप्त है, तैयारी अभी से करिए, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सारी चीजें आपको यहीं मिलेंगी। और अगर आपको मतलब फिर भी कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई सीटेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं और अब कैसे हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।